गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। हिस्ट्री चैप्टर टू हम लोग पढ़ रहे थे कल, न्यू किंग एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में आगे हमें केस स्टडी में द चोलास के बारे में पढ़ना है। चोला एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन का ढंग क्या था, तरीका क्या था। द चोलास वेयर ए पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी एडीज, यानी फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच चोला डायनेस्टी जो था वो साउथ इंडिया का एक पावरफुल किंगडम था। आफ्टर गोइंग इनटू डिक्लाइन फॉर सम सेंचुरी द चोलास रोज अगेन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी एडी एज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डायनेस्टीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब कुछ समय तक वन सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक शासन करने के बाद कुछ समय तक चोला डायनेस्टी जो था वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद फिर 9th सेंचुरी एडी में इसका इमर्जेंस हुआ और उसके बाद लगभग अगले 400 सालों तक इनका शासन रहा साउथ इंडिया पर। फॉर द नेक्स्ट 400 ईयर्स द चोलास हेल्ड स्वे ओवर साउथ इंडिया। दिस पीरियड इज रेफर टू एज द क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो अगले 400 सालों तक चोला का शासन रहा साउथ इंडिया पर, तो ये पीरियड जो था वो इंडियन हिस्ट्री में क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्रेडिटेड फॉर पेविंग द वे फॉर ए ग्लोरियस चोला रूलर्स गोज टू राजा चोला एंड हिज सन राजेंद्र चोला। तो चोला डायनेस्टी का जो इतिहास, इतना जो भव्य इतिहास रहा, जो गोल्डन एज जिसको कहा गया, वो यहाँ के जो चोला डायनेस्टी के जो दो रूलर थे, राजा चोला और राजेंद्र चोला, जो कि राजा चोला का पुत्र था, इन दोनों राजाओं के रूलर्स के कारण। राजा चोला ऑल्सो कॉल्ड राजा चोला को राजा फर्स्ट भी कहा जाता है। वाज ए ब्रिलियंट कमांडर, है ना। वो राजा तो था ही, एक कुशल रूलर होने के साथ साथ वो एक कुशल कमांडर भी था। ही डिफीटेड द पांड्याज एंड द चेराज, उसने पांड्याज को और चेराज को हराया। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज से ट्रेड करने के लिए उसने अपनी नेवी को भी स्ट्रॉन्ग किया। द चोला फ्लीट कैप्चर्ड द पार्ट्स ऑफ सिलोन एंड द मालदीव आइलैंड। उसके बाद चोला डायनेस्टी जो था उसने सिलोन को और मालदीव आइलैंड को कैप्चर कर लिया। अब देखते हैं राजेंद्र चोला वाज राजा सन। राजेंद्र चोला राजा का पुत्र था। ही सक्सीडेड हिज फादर टू द थ्रोन। राजेंद्र चोला मेड द एम्पायर इवन मोर पावरफुल। राजेंद्र चोला जो था उसने भी अपने एम्पायर को और ज़्यादा पावरफुल बनाया। हीज आर्मी डिफीटेड द चेराज द चालुक्यास एंड मार्च्ड एज फार नॉर्थ एज मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल वेयर द डिफीटेड द पालाज। उसने क्या किया कि उसने चेराज को और चालुक्या को तो हराया ही, और नॉर्थ की तरफ आते हुए उसने जो पालाज थे जिनका शासन बंगाल पर था उनको भी हराया, यानी पाल डायनेस्टी को भी हराया। आफ्टर हिज विक्ट्री राजेंद्र चोला कॉल्ड हिमसेल्फ गंगाए कुंडा चोला, विच मीन्स वन हु हैज कॉन्क्योर्ड प्लेसेस अप टू द रिवर गंगा। क्योंकि उसने गंगा रिवर के पार जो क्षेत्र थे उसको भी जीत लिया, इसलिए उसने अपनी उपाधि ली गंगाए कुंडा चोला। यानी गंगाए कुंडा चोला का मतलब होता है गंगा के पार जो क्षेत्र हैं उसको जीतने वाला, है ना। ही ऑल्सो बिल्ट ए न्यू कैपिटल नियर तंजोर एंड कॉल्ड इट गंगाए कुंडा चोलापुरम। और उसने तंजोर के निकट एक कैपिटल भी बनाया और इस कैपिटल को नाम दिया गंगाए कुंडा चोलापुरम। राजेंद्र चोलास डिफीट ऑफ द श्री विजया किंगडम द प्रेजेंट डे आइलैंड ऑफ सुमात्रा। अब देखिए, राजेंद्र चोला ने सुमात्रा आइलैंड के में जो किंगडम था उस समय विजया किंगडम, उसको भी हराया। मेड द रूलर्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न आइलैंड किंगडम कीन टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हिम। अब चूंकि उन लोगों को भी हराया, तो जो साउथ ईस्ट इंडिया के जो किंगडम थे उसके साथ राजेंद्र चोला के फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। इट इज सेड दैट किंग सूर्य वर्मन फर्स्ट ऑफ कम्बोडिया सेंट ए चैरियट एज ए प्रेजेंट टू राजेंद्र चोला। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य वर्मन फर्स्ट, जो कि कम्बोडिया का राजा था, उसने राजेंद्र चोला को एक चैरियट यानी एक रथ उपहार के तौर पे भिजवाया था। बाय द 13th सेंचुरी एडी चोला पावर वाज वंस मोर ऑन द डिक्लाइन। 13th सेंचुरी आते आते यानी 13वीं सदी आते आते चोला पावर जो था वो एक बार फिर से डिक्लाइन हो गया।
द पांड्यास डिफीटेड द चोलास एंड रोज टू पावर, और चोला को हराने वाले थे पांड्या, और चोला को हराने के बाद अपने जो पांड्या डायनेस्टी था उसका इमरजेंस हुआ। द फॉल ऑफ द चोलास वॉज एडेड बाय इन्वेशंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1310 AD एंड द राइज ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन कर्नाटका। अब देखिए, चोला डायनेस्टी के फॉल होने के कारण, डिक्लाइन होने के पीछे दिल्ली सल्तनत के इन्वेशन का भी कारण था, जो कि 1310 AD में हुआ, और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर जो कि कर्नाटका का एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर, उसका भी इमरजेंस इसी समय में हो रहा था, तो ये सभी कारण भी चोला एम्पायर के डिक्लेनेशन के कारण रहे। अब अगला है लैंड ग्रांट्स अंडर चोलाज। चोलाज के अंडर में लैंड ग्रांट्स कैसे दिए जाते थे, जो भूमि दान होता था वो कैसे दिए जाते थे। लैंड वॉज ग्रांटेड टू रिलीजियस बेनिफिशियरीज और रिवार्डेड टू पर्संस फॉर देयर सर्विस टू द किंग, है ना। रिलीजियस बेनिफिशियरीज के लिए लैंड ग्रांट किए जाते थे, दान दिए जाते थे। इसके अलावे ऐसे पर्सन जो किंग को के सर्विस में रहता था उसको उपहार के तौर पे, रिवार्ड के तौर पे, सम्मान के तौर पे लैंड दिया जाता था, या फिर धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। द लैंड ग्रांटेड वॉज ऑफेन वेट लैंड विच वॉज ऑलरेडी अंडर कल्टिवेशन एंड हैड इरीगेशन फैसिलिटीज़। ऐसे लैंड दान में दिए जाते थे जिनमें खेती की जा सकती थी या खेती की जाती थी, और जिनमें जहाँ पे सिंचाई की सुविधा होती थी। लैंड वॉज ग्रांटेड ऑन ए लार्ज स्केल। द टू लैंड ऑनिंग क्लासेज वेयर द ब्राह्मण एंड द वेलालर्स। अब देखिए, दो जो लैंड ऑनिंग क्लासेज जो थे जिनके पास जमीन होती थी वो ब्राह्मण्स थे और वेलालर्स थे। इन एलाइट कास्ट ऑफ तमिल एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स। ये वेलालर्स जो थे वो तमिल एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार वर्ग के होते थे। उसके बाद है टैक्सेस एंड फाइन्स। द चोलास हैड एन एफिशियंट सिस्टम ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस रेंट्स एंड अदर लेवीज एंड फाइन्स। इन एडिशन टू लैंड टैक्स पीपुल पेड टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशंस। अब देखिए, लैंड टैक्स के अलावा चूंकि इनके पास एक एफिशिएंट सिस्टम था टैक्स का चोला एम्पायर के पास, तो लोग जो थे वो लैंड पर तो टैक्स देते ही थे, इसके अलावा जो ट्रेड होता था, जो भी प्रोफेशन होता था, उस पर भी ये यहाँ के लोग टैक्स देते थे। देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेज ऑन सच एवरीडे थिंग्स एज थैचिंग द हाउसेज, यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइंब ए पाम ट्री एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखिए, इसके अलावा जो एवरीडे लाइफ के यूज़ की चीज़ होती है उन पर भी टैक्स होता था, जैसे घर बनाना, घर को जोड़ना, सीढ़ी पर जो खजूर का पेड़ होता है उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के तक जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो ट्रांसफ़र होता है उस पर भी टैक्स लिया जाता था। इसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विथ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस हिम। किंग जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, और उसको एडवाइस देने के लिए मिनिस्टर्स का एक काउंसिल होता था। ही ऑफन टूअर्ड द किंगडम इन डिस्गाइज टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपुल। अक्सर वहाँ चोला डायनेस्टी के जो राजा होते थे वो भेष बदल कर अपने राज्य में घुमा करते थे कि पीपुल की एक्चुअल कंडीशन क्या है लोगों की, इसको जानने के लिए। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल मंडलम्स और प्रोविंसेज, और जो एम्पायर था वो बहुत सारे मंडल में या प्रोविंस में डिवाइड था। दिस वेयर फर्दर डिवाइडेड इंटू वलंडूज एंड नाडूज, और ये मंडल जो थे इनको नाडूज में डिवाइड किया गया था। नाडूज वेयर ग्रुप ऑफ विलेजेस कंप्राइजिंग सेवरल पीजेंट सेटलमेंट्स, और ये नाडूज जो होते थे बहुत सारे गाँव के एक समूह हुआ करते थे, जो कि और इन गाँव में जो कम्युनिटी जो होती थी, जो सेटलमेंट होता था, वो खासतौर से पीजेंट्स का होता था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरीड आउट बाई विलेज असेंबलीज कॉल्ड उड एंड द सभा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो लोकल तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो गांव के में जो कैरीड होता था वो उर या सभा के द्वारा, जो लोगों का एक असेंबली होता था, गांव का जो एक असेंबली होता था उसके द्वारा संचालित होता था, जिसको उर कहते थे, और एक और असेंबली थी जिसको सभा कहा जाता था। उर वाज द विलेज असेंबली एंड सभा वाज द असेंबली ऑफ लर्न पीपुल। उर जो था वो विलेज असेंबली था, गाँव का एक असेंबली था, और सभा जो था वो पढ़े लिखे लोगों का असेंबली था। दिस इज एविडेंट टू शो दैट दे हैड ए गुड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये इस बात का सूचक है कि चोला डायनेस्टी के टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो बहुत ही प्रभावकारी ढंग से
काम करता था। द उत्तरा मेरू